ये जो फैन गार्डन है ना, फैन गार्डन के जस्ट सामने ये है, दो पीपॉक है, मोर है, और रात में बहुत अच्छा लगेगा, लाइट जब लगेगा तो। ये रहा भाई फैन गार्डन, और ये गांव में जो भूसा उसा भरा जाता है ना, उसके ये जो लिखा हुआ देखिए, बंगाली विलेज एंट्री फी 10 रुपीज। अच्छा है, मेरे ये दोस्त हैं, गली मिल रहे हैं। ग्रेट ग्रेट नाइस। तो ये जो है ना बंगाली विलेज एंट्री फी 10 रुपीज लिखा हुआ, तो हाँ, तो इसके सामने ये जो है ना ताड़ भी है, तीन ताड़ मिल जाएगा देखने को, 10 रुपये टिकट है, टिकट है। तो चलो चलते हैं अंदर और इस बंगाली विलेज को एंजॉय करते हैं और देखते हैं। ये रहा, वाओ मस्त यार, धान वान सब है, गजब झकास, हाँ मस्त लग रहा है भाई। ये जब हम आए थे ना 2 साल पहले, तो ये बन रहा था उस टाइम, देखो अभी कितना सुंदर लग रहा है ये। तो बंगाली विलेज में हम लोग इंटर किए हैं, तो आप दिखाते हैं अब यहाँ पर विलेज का में क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ से एंट्री किए हैं, जो 10 रुपीज लगा है टिकट इसका, ठीक है। और फर्स्ट में एंट्री करने के बाद ना आप लोग को ये मिल जाएगा, बैल चलाते हुए एक वो जो है वो यहाँ पर खेत का बुआई हो रहा है, और इधर क्या है मिर्चा का एक औरत तोड़ रही है। और ये देखिए भाई साहब कितना शानदार झकास ये है, कॉटेज बना हुआ था विलेज की तरह, कॉटेज मस्त कॉटेज है, इतना शानदार ना, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी एक अलग एनवायरनमेंट फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से एंट्री करने के बाद अब इस तरह का मिल जाएगा भाई साहब, पानी भी आने वाला है, और ये पूरा व्यू है, और पॉन्ड भी है एक अलग, मतलब बंगाली विलेज की तरह जैसे होता है ना उस तरह का बनाया हुआ है। अभी ये कृष्णेंदु के दादी हैं पारिसिट। अभी हम लोग पता है इधर आंधी तूफान आ गया है, ये देखो कितना आंधी तूफान है, चलो आंधी तूफान में ही आप लोग को दिखाते हैं सब। इधर भी वाह, बाप रे, ये तो लग रहा है कि छोटा छोटा कॉटेज बना हुआ है, पेठारी है ये। और ये रहा डोली, पुराने जमाने का जो शादी वादी होता था उस टाइम का, बांग्ला में लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। चलो कृष्णेंदु इधर चलते हैं। और ये है खाना बनाते हुए, वाओ लालटेन जल, शाम हो गया ना तो लालटेन भी जल गया, देखो उधर चिपरी पठाया हुआ है। इधर साइकिल से स्कूल, ये सब लड़का के लिए, ये चिपरी पठाया हुआ है। ये रहा, उधर बैल भी है, ये स्कूल की तरह बना हुआ है जहाँ पर बच्चे सब स्कूल में जा रहे हैं। वाओ कोबी ओबी सब इधर लगा हुआ है भाई साहब, मस्त है, बहुत बड़ा चीज है, बहुत कुछ दिखने को है यार यहाँ पर। आप लोग आना इको पार्क में, तो ये बंगाली विलेज को देखना ना, देखना मतलब एकदम जरूर देखिएगा लोग, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा, एकदम बंगाली विलेज की तरह आप लोग को फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा।
और आगे इधर चलते हैं, दिखाते हैं। और यहाँ पर जितने भी मतलब विलेज में जो भी चीजें होती है ना, वो सब चीज है यहाँ पर। ये कौन सा पेड़ है? कद्दू का पेड़ है, सेम लगा हुआ है। उधर गोभी लगा हुआ है, एकदम गांव की तरह एक नजारा फील हो रहा है भाई। गांव में जो जो चीज मिलता है ना, वो सब चीजें यहाँ पर है। वो देखो टमाटर का भी पौधा लगा हुआ है, सब चीज का पौधा लगा हुआ है। सब्जी में जितना आइटम है ना, सारा आइटम यहाँ पर मिल जाएगा देखने को। ये सेम है, आगे आप लोग को अमरूद अमरूद ये सब मिल जाएगा देखने को। ये मार्केट है जहाँ पर सब्जी वब्जी भी जाता है। सब्जी जो भी जो सब्जी चाहिए वो सब्जी मिलेगा इधर। ये अनार है, वो लालमी है, ये वो क्या है, सब चीज मिलेगा इधर। यहाँ भी बेच रहे हैं सब्जी, यहाँ पर भी आप लोग को केला वेला का सब्जी, जो बंगाली सब्जी होता है वो सब मिलेगा इधर। यहाँ पर फिश, बंगाल का जो सबसे फेमस फिश होता है वो, और इधर केला का थम लाइन से लगा हुआ है, मतलब सारी चीजें हैं। गाजर भी लगा हुआ भाई साहब, बहुत कुछ लगा हुआ है। और दो को दोस्त लोग हैं, लोग तो उधर ही है, पता नहीं क्या कर रहा है लोग। तो बंगाली विलेज बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। आप लोग यहाँ पर आना जरूर और देखना और विजिट करना जरूर यहाँ पर, ये देखना आप लोग, क्योंकि एक अलग एक्सपीरियंस फील हुआ भाई। इतना मजा आया ना पूछो मत, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और इधर खाने पीने का भी है बंगाली विलेज में, जहाँ पर आप लोग खाने पीने के लिए भी सुविधा है। एक ड्रम टाइप का बना हुआ है, ड्रम टाइप का अंदर रेस्टोरेंट है, तो अंदर भी चलते हैं दिखाते हैं इस ड्रम के अंदर। इस ड्रम के अंदर जाने का रास्ता किधर से है? आगे से है लग रहा है। इसका भी टिकट काउंटर लगता होगा, चलो इनसे पूछते हैं अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है। तो इधर क्या है, इधर है ऑनलाइन बुक करेंगे तब जाएंगे इस ड्रम वाले होटल में, ड्रम वाले आगे रेस्टोरेंट है उसमें। तो ये जो है ना, ये ड्रम वाला जो दिखा है ना, इसमें अगर जाना है ना किसी को, तो ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ेगा, तब जाके एंट्री मिलेगा इसमें। यहाँ पर बहुत सारे औरतें जो आदिवासी टाइप में मतलब सजी हुई है। चलो आगे चलते हैं, जल्दी चलिए। और इधर ताड़ी वाड़ी पीने के लिए भी है सब चीज, खजूर का ताड़ी। तो अभी आंधी तूफान चल रहा है, अभी बहुत हवा चल रहा है, तो इसके वजह से अब और आगे अब जा रहे हैं हम लोग घूमने। अरे साला बैल वाला सीन नहीं लिए, ये देखो भाई साहब मेरे सामने एक पुराने जमाने में जो बैल से मतलब ठेला गाड़ी से सामान वामान ढोया जाता ना, वो सब चीज है। और पाइप से भी ना, ये सब जेन्यून है, कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है। खाली ये जो स्टैचू है ना, वही आर्टिफिशियल बनाया गया, बाकी सब जेन्यून है। धान भाई, इस घड़ी धान मिल जाएगा देखने को। अभी मेरे तरफ गेहूँ, बिहार में हम लोग की तरफ गेहूँ है ना, तो इधर धान रोपाया हुआ है, इधर मिर्चा उर्चा सब सब्जी सब चीज है। तो देख लीजिए फर्स्ट में विलेज में, वहाँ से एंट्री के बाद फर्स्ट में यही दिखेगा। चलो अब चलते हैं।
बहुत अच्छा लगा ये इस बंगाली विलेज को देखकर, बहुत सुंदर लगा, दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा। जो फैन गार्डन के पास, फैन गार्डन के जस्ट सामने मोर यहीं पर है, आप लोग आकर घूम सकते हैं, जिसका प्राइस 10 रुपीज़ है। और बहुत अच्छा लगा, इको पार्क में सबसे बेस्ट बंगाली विलेज, जहाँ पर हर तरह के ट्रेडिशन से लेकर खाना पीना से लेकर कितने टाइप का सब्जी होता है, सब चीज़ का शेयर हुआ है वहाँ पर। ये फैन गार्डन ख़त्म होने के बाद और आगे चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या मिलेगा फैन गार्डन के बाद। ले लीजिए, ये भाई किचन है, ये भी बन रहा है, अभी बंद है, और ये भी बन रहा है, एक बहुत अच्छा देखने लायक टूरिस्ट के लिए बन रहा है, अभी इंटर चालू नहीं हुआ है, अभी बन रहा है। तो यही सब है इधर का, जितना घूमना था बस इधर का है। आगे मिलेगा ये औषधि वाला, जितने टाइप का बोटैनिकल गार्डन जो होता है ना वो मिलेगा, तो चलिए वहाँ बोटैनिकल गार्डन भी विजिट कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं, बोटैनिकल गार्डन दिखाते हैं, लास्ट पॉइंट है इको पार्क में वो, उसके बाद आपको ईफिल टावर दिखाएंगे जो वहाँ पर है, टावर उस साइड में है। अरे साला हवा चल रहा है, बहुत हवा चल रहा है, बहुत हवा चल रहा है, अभी लग रहा है ना आंधी तूफान आएगा, उस तरह का सीन हुआ है। तो आगे बोटैनिकल गार्डन है तो वहाँ दिखाते हैं। और ये जब चारों तरफ से ना नारियल का पेड़ लगा हो ना, जो बहुत ही सुंदर बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है, यहाँ पर साइकिलिंग की भी सुविधा मिलती है, 3 चक्का वाला, 2 चक्का वाला, और एक साथ 3 आदमी 4 आदमी बैठ कर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगेगा ना प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा, बहुत मेहनत लगता है बनाने में वीडियो को, जो कि आप लोगों के लिए खुशी से। ये जो है ना, ये देख लीजिए, और यही है, ये औषधि वाला है, जो कि आपको मतलब बहुत तरह के, कम से कम 1600-1700 आगे लिखा हुआ, मैं बताऊंगा कितना टाइप का इसमें प्लांट मिलेगा, जो कि ट्रीटमेंट के लिए औषधि, जो कि हमारी दवा जो हम लोग खाते हैं ना वो बनता है सारे प्लांट से। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट रखा हो गया है, तो आगे दिखाते हैं प्लांट। ये रहा हर्बल गार्डन, इसमें बता देते हैं आप लोगों को कितना टोटल मिलेगा प्लांट। ये देखिए, हर्बल गार्डन एस्टैब्लिश इन 2015 में यह हर्बल गार्डन स्थापित हुआ था। और ये देख लीजिए, रिसर्च के लिए ये सब चीज़ यूज होता है, और इसमें बहुत सारा मतलब बहुत तरह के प्लांट इसमें मिल जाएगा देखने को। आगे यही सब है, ये है इको पार्क का लास्ट डेस्टिनेशन, इसके बाद इको पार्क में ख़त्म हो जाता है यह, मतलब गार्डन के बाद ख़त्म हो जाता है। और जितने भी यहाँ का प्लांट है ना, सब पर नाम लिखा हुआ है, हर देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ, सबका नाम लिखा हुआ लाइन से, तो सब चीज़ का नाम लिखा रहता है हर चीज़ का। और ये है लास्ट पॉइंट, तो अब आगे चलते हैं, अब आगे जितना भी विजिट करना है सब आप लोग दिखाना है वो दिखा देते हैं, आगे बहुत कुछ है देखने लायक जो दिखाते हैं। यहाँ पर एक पास